संस्कृति सरोवर में आपकी स्वागत बा। बुद्ध समुदाय टेलीविजन पर कार्यक्रम संस्कृति सरोवर लेके आ गई राज ने कैमरा पर्सन सरिना के साथ में। ई कार्यक्रम में रखिए हमन की समाज में रह विकृति हमरे कैसे हटा सके और विकृति विसंकृति हटा के हमरे असल सभी समाज निर्माण करे का करे करी इस संबंध में हमारे चर्चा कर इतने भरना हो कि हमारे अफल जीवन सफल बनाए का करे परी और साथ में हमारे कोनो भी संस्था में ढीला सुस्ती बा ते हमारे निर्मूल करे का करे परी और हमारे कोनो भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर व्यक्ति से वहाँ के विचार भी आदान प्रदान कर जत ते आप भी इस कार्यक्रम में अवधि बार संगरी साथ रहा जी। कार्यक्रम के साथ में हमराज और सुने हमारे आज अतिथि के न्यौता धर गिल बा। आज हम लोग अतिथि बाटे समाजवादी पार्टी रूपंदी जिला इंचार्ज विद्या यादव जी बाटी ओकर साथ में हम लग अतिथि बाटी राष्ट्रीय जनता पार्टी युवा नेता प्रशांत गुप्ता हमारे वहाँ संग लेके आज बातचीत यानी कि छलफल कर जी। तो सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में आप सबकी स्वागत कर लेते धन्यवाद। हाँ ते वैसे हमन की न्यौता स्वीकार करके आ गई खुशी लगत बा। तो सबसे पहले हमन के जो आज घड़ी देखा जा हमारे वैसे कंप्यूटर के युग के कहा जाते बकिन का हमारे वैसे कहा जाते हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से सफल और सक्षम बाटे बकिन का हमन की यदि पीछे लौट के देखा जा तो हमन की समाज ज्यों की त्यों बा यानी कि हमन की समाज में जितना प्रगति हो ना हो उतना नहीं हो। पहली बार सबसे पहले हम जाते हैं हमन के समाजवादी पार्टी अरुपंधी जिला इंचार्ज विद्या आदि जी बाटे हमारे वहाँ के परिचय कर जतबा कि हमन की समाज के आपके मन में लगल कौन सा ऐसा विकृति बा यदि लौट के हमारे देखल जाते आपके मन में क्या होते। ये समाज में हमन के बहुत किस्म के विकृति बा। एक हमन के जब तक अच्छा आदमी के दम पर नेतृत्व अच्छा आदमी के असल आदमी के हाथे में नंबर नेतृत्व ना दिया तब तक यह समाज के नंबर परिवर्तन नंबर ना हो पाई। यह समाज में हमन के बहुत ऐसा नंबर विकृति बा बहुत ऐसा विकृति बा नंबर जैसे नंबर आप लियल जा नंबर तराई के मूल में नंबर दहेज के नंबर विकृति बा तमान ऐसा नंबर बहुत कुछ विकृति बा। ओके जब तक नंबर हमन के नंबर बीच में नंबर कोनो भी कार्यक्रम कोनो भी नंबर चेतना नहीं फैलावल जाए तो नंबर हमन के समाज के नंबर कैसे परिवर्तन हुई वो चीज़ हमन के नंबर बीच में नंबर नहीं हो पावता। वो चीज़ हमन के करे के लिए नंबर हर निकाय से नंबर प्रयास करे के नंबर हमन की समाज कैसे अच्छा समाज बने ओके या समाज के हमन के कैसे नंबर परिवर्तन कर जाए कि हमन के जमन पिछड़ल समाज नंबर हमन के भोजपुरी समाज कैसे नंबर अवधि नंबर आगे बढ़े कह के हमन के नंबर लगल गुल हमन के नंबर जगह जगह पे सांस्कृतिक कार्यक्रम में जगह जगह पे अपने समाज के कैसे नंबर समाज नंबर परिवर्तन हो हमन के अपने हिसाब से भी नंबर या समाज के लिए नंबर लगल गई वही व्यक्ति कैसे नंबर खत्म हो कैसे नंबर अच्छा नंबर ऊंचाई पे जा हमन के नंबर जगह जगह पे ही लगल गई। हाँ तो वैसे हमन के जो समाज में तमाम से प्रकार के विकृति विसंगति वैसे हमारे कुछ वर्ष पहले जो इच्छु बाल ब्याह यानी कि छोटे पर ब्याह का चलन रहे बकिन का आज घड़ी हमन के अब दक्षिणी बेल्ट में कुछ बा बकिन का अब खास के हमन के नेपाल से हट गिल बा कहल जा मतलब एकदम न्यूनीकरण हो चुकल बा बाल ब्याह में बकिन का जो हमन के एक दहेज प्रथा जब गोड़ले बा ते ई वैसे हमारे आजकल देखा जाते हर एक जगह में दहेज नहीं बके के गाने बकिन का पहले और आज की तुलना में घड़ी घटिक ना सिवा की बढ़ल बा। वैसे अब पहले का होत कि जो एक बाइक के ध्यान चलन रहे अब पहले तो नहीं रहे उतना बकिन का आजकल एक फैशन हो गई बा। तो हम राज के युवा नेता हमन के प्रशांत गुप्ता जी बाटी वहाँ से हम ये कही चाहती कि अब की तौर में जो हमन के समाज में दहेज प्रथा बा ये निर्मूल होली बाकी और जड़ गढ़ते जात बाते। पहले तो हम आपके धन्यवाद दिए के चाहता थी। आज बड़ा खुशी हमें ही लागल कि हम अपने महताजी की भाषा में आपसे बोले के पावता थी। ये तो आज तक हम कोनो भी कार्यक्रम में गईली कोनो भी इंटरव्यू में गईली कोनो भी टेलीविजन में गईली लेकिन आज तक मतलब अपने महतारी के भाषा में बोले के नहीं पहली। धन्यवाद है सबसे पहले आप बुद्ध टेलीविजन के कम से कम अपने भाषा अपने महतारी के भाषा बोल के आज हम अपन सुख दुख आपसे कही के पाओ ताली बड़ा अच्छा बात करेंगे। विद्या जी हमारे मित्र भी कहा है कि सबसे बड़ा समस्या जौन बा मधेज की विकृति जौन बा सबसे बड़ा दहेज के बात आई। आप लोग के पता हुई कि छोटे में जब हम उनके छोट छोट रहा जा बहुत सारे लोगों के माई बाप छोटे ही में उनके शादी कह दें दहेज के बात आवत रहा बहुत किस्म के समस्या आ जात रहा जेकरे खातिर उनके घर बार नगद से नहीं हो पावत रहा नगद से नहीं रह पावत रहा। लेकिन आज के युग का बा पढ़ल लिखल युवा के युग बा आज युवा आज के मने आज के लड़का दहेज नहीं खोजने आज के लड़का का कहना है कि आए वाला जौन हमार श्रीमती हो जौन हमार मेहरारू हो वो पढ़ल लिखल हो शिक्षित हो तेरे खातिर जौन दहेज के विषय रहा खैर विद्या जी भी हमें बात कही सकन है कमेंट कही सकन ऐसा कोनो बात नहीं बा कि आज के जौन लड़के बाटे
उन्हें शिक्षित मेहरारू हो जाता है तेकरे खातिर ई तो कम होता है बा आज के कहां आदमी दहेज मांगा था कौन आज कहां जात बात बा आज कहां धर्म बात बा ई तो कम से कम ई चीज से तो हमन के तो निकल जाता ना निकल गेल गेल बाटी कौन जगह बाटी थोड़ थार कहूं कहूं बा तो करे लिए कम से कम हमन के काम करल जाता हमन के जगह जगह पे जाकर उस विषय में बात करल जाता कि दहेज लिहल अपराध हो ई गैर कानूनी काम हो अगर आप दहेज लिहल जाए तो कानून हिसाब से आपके कार्रवाई हो तो लगभग लगभग ई समाज के जैसे आज लाल एटू पोलियो आपके याद बा पहले आदमी लंगर जाता है वो पोलियो को नहीं खाता है तो धीरे धीरे सरकारी योजना ले कहीं पोलियो कहीं आज कम से कम वो चीज़ नहीं बा लोग अपांग नहीं होता है नहीं तो पहले तो अपांग रहता तो वैसे ही हो एठू का रहा कि पोलियो के जैसे सबसे बड़ा एठू समस्या रहा मधेश के या देश के दहेज लेकिन मधेश के लोग शिक्षित हो गए अपन अधिकार जान गए पढ़ लिख लाला हमें का करे के चाहिए का नहीं करे के चाहिए समझ के एकरे खातिर लगभग लगभग समाप्त बा लास्ट चरण में बा आए वाले दिन में हमन के एकदम ऐसे समाप्त कर दिया जाए दहेज मुक्त मधेश बनाई दिया जाए कार्यक्रम एकठ असल सभी समाज निर्माण के लिए अब तमाने जातीय संगठन हमारे कहा जाए या कौन पार्टी से कहा जाए कार्यक्रम हरदम एकदम होते रहला हमारे कि अब नेपाल में कहा जाए लगभग अब 12 महीना में लगभग 4-5 महीना तक कार्यक्रम होते रहला हर एक महीने में लगभग कौन भी चाड़ पर्व में ते अब वैसे हर एक जो आस्था के आधार में जो बाटी हमन के नेताजी बाटी सब जने अपन मंतव्य यानी कि विचार रखने भाषण देने बकिन का अब वैसे जो है एक स्टेज पर जब मंच पर चढ़ी है तो कहीं कि हमारे पार्टी है कह दी हो कि दी तो वैसे हमन के जो अब समाज में रहा कौन भी विकृति हमन के भर के चर्चा कर जाता कि जो दहेज प्रथा ते हमन के जो समाजवादी पार्टी जिला इंचार्ज विद्या यादव जी बाटी तो वैसे ये पार्टी जो हमें कि कुछ अन्य जो पार्टी करे नहीं सकले बा वैसे एठू कागजीय कागज भर में एठू लिखित बा कि हमन के ई हई विकृति हटाए के यानी कि दहेज प्रथा हटाए के अत वैसे आप का कह चाहते कि हमन के जो अब विकृति विसंगति जो अन्य पार्टी हटाए नहीं सकले बाटे ते आप और से कौन जोड़ कर सकल जी हमन के तो संगरिये लगभग हो नहीं विदेश हमन के पूछल जाए उनसे लगभग हमन के संगरिये घूमल जाला संगरिये बात करल जाला हमन के ई विषय में एकदम देखल जाए एटू चीज़ का बा हमन के आज के युवा हो जाला विद्या जी हमसे बार बार कहलन कि हमन के मधेश की जो समस्या बा जो अपन कल्चर बा एकरे विषय में हमन के संगरी काम कर जाए हमन के कोनो पार्टी हो हमन के मित्र हो जाला संगरी आवल गए देखल जाता संगरी बैठल जाता संगरी बोलल जाता नहीं हमन के एक दूसरे प्रति जगह जगह पे नंबर हमन के नंबर आप लोग के बीच में एक कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बा हमन के जगह जगह बीच में अपने नंबर सामुदायिक के नंबर अपन कल्चर का हो नंबर हमन के जगह जगह पे अपन कार्यक्रम के संस्कृति के नंबर कैसी बचाए बा अपन नंबर कैसी भी नंबर जैसे हमन के नंबर थारू समुदाय के नंबर बड़का त्यौहार हो सरकार नंबर सरकार जवन बा नंबर हमन के नंबर थारू नंबर कोनो भी नंबर हमन के तराई के नंबर समुदाय के नंबर भोजपुरी अवधि के नंबर जवन भाषा पर हमन के संस्कृति के नंबर दबाव लोप करता एक हमन के जगह जगह के लिए जगह जगह पे हमन के उन्नति हर एक कार्यक्रम में हमन के वहां से नंबर जगह जगह पे नंबर कार्यक्रम रख के नंबर ओके चेतना नंबर बड़का आत्मार के तक का कार्यक्रम हमन के संग हमन के नंबर समाजवादी पार्टी हमेशा नंबर राजपा नंबर हो समाजवादी पार्टी नंबर एक हमन के विचार के हमेशा हमन के निरंतर निरंतर हमन के लगल बाकी हमन के समाज कैसी परिवर्तन हो अवधि नंबर भाषा नंबर कैसी नंबर आगे जा हमन के नंबर कार्यक्रम कैसी नंबर संरक्षण करल जा हमन के हमेशा नंबर आप हमेशा हर जगह पे हर जगह जगह पे भी सांस्कृतिक कार्यक्रम रख के अपन अपन संस्कृति का हो अपन पहचान का हो हमारे कैसी नंबर पहचान के अपने आए वाला पुस्तक कैसी हमन के रक्षा करल जाए हमेशा नंबर रखल जाला हमन के पार्टी होई गए आप पहले एक चीज ई जानल जा कि हमन के पार्टी होई के कबो भी काम नहीं करल गए हमन के लगभग लगभग संघीय राजनीति की स्टार्ट भइल बा एक के जगह रहल जाला एक के जगह पे करल जाला हमन के कबो भी ई विषय में कोनो भी हमन के पार्टी के हो ई हो अपन संस्कृति अपन रीति रिवाज बचाए खातिर अपन चाड़ पर्व बचाए खातिर अपन बड़का त्यौहार अपन दशहरा हमन के दशहरा खैर आजकल तो दशहरो भी फरक फरक हो गई बा मधेश के दशहरा दूसर होला लेकिन अब पहाड़ के दशहरा जाए जाए दूसर हो जाए चाहे हमन के कोनो भी मतलब एटू अपन जो एटू चाड़ पर्व हमन के बा होली लगाए छठ लगाए खिचड़ी लगाए खिचड़ी तो आपके पता है वही हमन के कोने हिसाब से नहीं आप तो खिचड़ी के कितना कम से कम क्या जगह खिचड़ी कार्यक्रम भी विद्या जी करेले बाटे हम बोले बाटे वो कार्यक्रम गई लाटी ये कुछ सांस्कृतिक कदम बचाए खातिर अपन के अपन हमन के सांस्कृतिक बचाए खातिर अपन हमन के भाषा बचाए खातिर हमन के ई किस्म के लगल गई बाटी हमन के हर जगह संगरी चल के ई विषय में हमन के कहा जाला कि हमारी भाषा हो ये हमारी संस्कृति ये हमारे रीति रिवाज है एक कम से कम हमन के आगे बढ़ावल जाए ते अब का हो तो बाकी अपन संस्कृति बचाए के नाम में कितना जही विकृति भी फैलत बा अब जैसे जो हर एक जात जाति के आस्था मानने वाले व्यक्ति बाटे वो सब हमन के संस्कृति बचाए के परी कह के अब वही संस्कृति में ओखन के जो पहले के चाचन रहे ढेर से विकृति बा
ते ए मा आप सबका कह सकल जी एकदम विकृति बटले बात आपके आपके 30 देखल जाने 30 जगह जगह पे भी ओके हमन के सुधार दम पर कैसी हमन के पर कल्चर कल्चर हमन के दम पर जैसे 30 देखल जा 30 30 में कौन हिसाब के विकृति 30 मतलब का रहल 30 मतलब खीर खाए वाला चीज हो 30 मतलब फल फूल खाए वाला अलग अलग दम पर पहचान लेकिन 30 के त हम कतने भाई सोशल मीडिया में देखले बाटी 30 के त बियर और दारू से कम 30 बना जाय जाला ई विकृति त होय चाहि 30 एकटू खुशियाली के पर्व हो 30 मतलब का हो कि एकटू आदमी एक दूसरे के आदमी के प्यार मोहब्बत करे वाला एकटू चार हो 30 मतलब एकटू सद्भाव के तीज हो लेकिन 30 में यही 30 में देखा जाए ना कितना विकृति आवला 5 स्टार होटल में जाय जाय या 3 स्टार होटल में जाय जाय दारू पार्टी 30 में दिए चाहि काई हमार संस्कृति हो काई हमार रीति रिवाज हो ई चीज करे के मिली खातिर हमन के जन चेतना ही कर जाला कि तीज मनावे के क्यों नहीं रोक लेबा कि आप लोग तीज में मनाओ जा लेकिन तीज दारू नहीं तीज में खीर खाई जा तीज में दही खाई जा तीज में पनीर खाई जा लोगन के प्यार मोहब्बत करल जा सद्भाव करल जा नाचल जा गाइल जा सब कुछ करल जा ई करल जा लेकिन विकृति आ गेल बा ये विकृति के विरोध में हमन के लगल गेल बाटी ई विकृति हन त होय चाहि ई जोन परंपरा में के समाप्त होय के चाहि अगर ऐसे रही त आए वाले दिन में लोग लोग एक मिनट एक जोन लोग आई है जोन पीढ़ी आई जोन लड़का आई जोन बाल बच्चा आई का कही उ जानी तीज में खिचड़ी खाई जाला उ जानी तीज में वो तो अरे दही खाई जाला उ जानी तीज में हमन के पनीर खाई जाला उ का जानी तीज में हमन के दारू पियल जाला तीज में वाइन पियल जाला तीज में बियर पियल जाला तो ई विकृति कौन थोए के चाहिए एकरे खातिर हमन के लगल गई बाटी तीज मनावल जा हर चार चढ़ मनावल जा लेकिन ओकर कौन हिसाब से मनावे के चाहिए ओकर सीमा का ओकर मर्यादा का ई काय में होई चाहिए हमन के संस्कृति के दम पर जवन बात संस्कृति के हमन के संस्कृति कुछ लोग दम पर लोभ करे के लगल बटे लेकिन हमन के संस्कृति का अपन संस्कृति कैसी दम पर हमन के संस्कृति बचावल जा अपन संस्कृति कैसी संचल गला दूसरे के दम पर संस्कृति ला के हमन के संस्कृति के दम पर जवन अवधि के दम पर संस्कृति बा हमन के भोजपुरी के दम पर जवन संस्कृति बा हमन के अपन बा दूसरे के दम पर दूसरे किसी से दम पर मान ला हमन के अपन संस्कृति के दम पर कैसी दम पर मनावल जाए हमन के चार पर यूरोप के चार पर ला के अलग ले देना होई ना हमन के नेपाल में जो पश्चिम मान दे के दम पर हमन के ओकरे हिसाब से दम पर कर ले बिल्कुल बिल्कुल ए हजुर वैलेंटाइन डे मना जाई जाला है यूरोप के जवन चीज बा ए ला के लादल जाता हमें उसे का लिए दिए गो भाई हम अपन देश हमार देश नेपाल हो हम मधेश के हुई मधेश के संस्कृति नेपाल के संस्कृति पहाड़ के संस्कृति हिमालय के संस्कृति के बचाई पड़ ले यूरोप के लाइक ला देख भाई वैलेंटाइन डे फ्रेंडशिप दिवस अरे दादा का दिवस आ गेल मतलब मूड खराब हो जालो सुन के गलत चीज एकदम पर लादल जाता तम पर इलाज ने हमन के आज अगर केहू पूछल जा गुड दिन पीटे के का हो जाला केहू बताई गुड दिन का हो परिवर्तन दम पर कैसे होई लेकिन सब जान जाई सब जानी की वैलेंटाइन डे का हो ई सब चीज दम पर हमन के बीच में दम पर लादल जाला जैसे हमन के दम पर दशई में दम पर दशहरा में हमन के दूसरे हिसाब से दम पर अपने संस्कृति का अपन रीति रिवाज दम दूसरे हिसाब से माना खास कर और अनपात के हमन के भूख के दम पर 9 दिन दम पर भूख के माना जाला लेकिन वहां का होला दम पर दूसरे दम पर तराई पहाड़ में दम पर का होला दम पर बलि चढ़ा के दम पर का के पूजा कर अपन पास की बात हो अपन संस्कृति क्यों विरोध ना हो अपन संस्कृति हमन की कैसी रक्षा करेगा हमन के वो रक्षा के अपने संस्कृति की पहचान कैसे करेगा जवने आए वाला पूछता हमन के दम पर बच्चा जवन बा कि जाने की मतलब हमन के दम पर संस्कृति खई हो हमन के दम पर धर्म हो हमन के भाषा भूषा हई हो तो कुछ दम पर खास लोग दम पर बाटे कि हमन के पहचान के दम पर दावे वाला काम करत बाटे उ काम हमन के संस्कृति के दम जाय थारू हो जाय मधेसी हो जाय दलित हो जाय मुस्लिम हो सबके अधिकार के दम पर सबके पर्व के दम पर दबावे वाला काम जैसे विदा होला दम पर विदा काटे वाला काम होला उ काम उ लोग दम पर न करे दम पर हमन के दम पर हमेशा दम पर आवाज उठावल जाला न उ आवाज हमन के पहचान वादी हो जाला हमेशा हमन के पार्टी हमन के आवाज हमेशा उठावल जाला हमन के थारू के सबसे बड़ा के हमन के छठ के दम पर विदा और का कहना होली के दम पर विदा दम पर खिचड़ी के दम पर महोत्सव के दम पर भी हमन के दम पर विदा कर जौन भी दम पर कल्चर के दम पर हमन कार्यक्रम होला हमन की स्थानीयता में आज स्थानीय सरकार हमन के बीच में बा हमन के दम पर विदा करल जाला लेकिन कुछ ऐसे दम पर शासक लोग बाटे कि हमन के धर्म हमन के दम पर कल्चर के दम पर दबावत बाटे उ दबावे नहीं पइया हमन के समाज के कैसे परिवर्तन करे बा हमन के एक रूप से दम पर मलेश के दम पर अबे सरकार कान कौन वाइन ये सरकार के कान कौन वाइन लाई के खेले है सुनी हम हमरते वाइन ई परंपरा त हमार नाई हो ने लगल गेल हमन के दम पर एक के दम पर हमन के आगे दम पर के संस्कृति यूरोप के धर्म यूरोप के रीति रिवाज के ये ई देश के प्रधानमंत्री ला दताटे जाताटे हां ते वैसे इतना करी हमरे देखल जत बा कार्यक्रम संस्कृति सरोवर और साथ में हम कार्यक्रम संचालक राज और हमन के कैमरा पर्सन सरीना आज हम अलग बाटी समाजवादी पार्टी रुपेन्द्र जिला इंचार्ज विद्या यादव जी बाटी उनके साथ में हमन के राष्ट्रीय जनता पार्टी युवा नेता प्रशांत गुप्ता हमारे छल पर कल जतवा कि हमन की असल सभ्य समाज निर्माण कैसे कैसे ऐसे हमन के अब जैसे कि हमारे बाते कल गिल जो कि हमार के नेपाल में कौन भी हमार के संस्कृति मानल जात बा अब हमन के नेपाल में कहा जाते बहुजाति बहुभाषिक हमन के देश हो खुशी की बात बा बाकी इनका इतना बरना हो कि हमारे अपन जो कला संस्कृति बा भुलाते दूसरे के जो कला संस्कृति बा हमारे
आगाली पुगल जात बा जोन की हमन के पश्चिमी कंट्री बाटे ओकर साथ में हमरे कुछ संस्कृति अपना में हमरे बाध्य पारल गेल बा इहे कहल गेल अब बहुभाषित के बात करल गेल हम एक चीज का कहे के चाहतन बहुभाषित बहुसंस्कृति देश हो काल बसयो थुंगा फुल का हम एउटै माला नेपाली सर्वभौम फैलियो क मेची महाकाली ठीक बा प्राकृति का कोटी कोटी सम्पदा को आचाला वीरहरु को रगतले स्वतन्त्र अटाला ज्ञान भूमि शांति भूमि तराई पहाड़ी हिमाला इहे त कहल बने ऐसे बने राष्ट्र गीत एमे सब चीज मिलावल बने अखंड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल कितना लगत से जोन राष्ट्र गीत बा कितना लगत से हमार काले मतलब का बा एमे बहु भाषा बहु सांस्कृतिक शब्द रखल बा कि नहीं रखल बा बहु भाषा जोन हमार भाषा हो हमारे मातारी के भाषा हो लेकिन थारू के भाषा बा नेवार के अपन भाषा बा मगर गुरुंग के अपन भाषा बा मिथिला में जाइए मैथिली भाषा बा हर भाषा के आज हमन के बचावे के काम बा हमन के ऊ विषय में काम कर जा लेकिन दुर्भाग्य के बात का बा कि आज थारू के बेटवा थारू बोले के ना जानला नेवारे के बेटवा नेवार बोले के ना जानला हमन एक बेटवा भोजपुरी आए वाले दिन में अगर हमन के अच्छा संस्कार ना दिखाई तो हमन के भाषा बोले के ना जानी इहो तो बचाए पड़ल कि नहीं बचल इस देश के राष्ट्रगान कहले बा कि नहीं बहुभाषी बहुभाषा बहुसंस्कृति तो बहुभाषा मतलब हम अपने बेटवा हमारे महतारी के भाषा हमें बचावे के बा एक खातिर हमन के काम करल जाता कि हमार भाषा बोले जैसे आप कार्यक्रम चलावल गए ना बुद्ध टेलीविजन में ये तो अच्छा बात हो ने एटू टेलीविजन में एटू कम से कम अपने भाषा के भी ये टेलीविजन की मदेश के एटू भाषा हो ये भाषा के भी जगह दिया जाके के एटू टेलीविजन दलेबा ऐसे कम से कम हमन के ही समझे देश के भाषा राष्ट्रीय भाषा नेपाली हो ये नेपाली भाषा के हमन के गर्व करल जाला ये भाषा के हमन के सम्मान करल जाला लेकिन भोजपुरी भाषा जोन बा ये भोजपुरी भाषा के भी राष्ट्र हाँ बिल्कुल ये राष्ट्र एक एक विकसित करे के लिए एक और बढ़ाए खातिर का करे चाहिए इस हिसाब से राष्ट्र योजना करावे योजना लावे नेवार के मगर के जनजाति दलित जोन राई लिंबू तामांग जोन जोन अपन भाषा बा उ सब भाषा के आरक्षण करे के लिए सरकार करे इस हिसाब से हम तो आपे के कार्यक्रम कर मांग भी करता नहीं कि कम से कम अपन भोजपुरी के किताब लॉन्च करे सरकार प्रदेश सरकार कहे कि भोजपुरी आवश्यकता बा लोगन के भोजपुरी बोले के पर ही कम से कम हमन के बस्ती में जोन आयल बाटे साथी भाई पहाड़ से वो कम से कम हमन के भाषा जाने उनके भाषा हमन के जानल जाला हमार भाषा जाने तब एक दूसरे के सुख और दुख हमन के बांट जाए आदान प्रदान हो जाए तो प्रदेश सरकार से मांग करता कि मुख्यमंत्री के कम से कम हमके भाषा के किताब आप लावल जाए पढ़ावल जाए क्लास से कम से कम उनके पता चले कि भोजपुरी के इतिहास का हो मगर के इतिहास का हो नेवार के इतिहास का हो जनजाति के इतिहास का हो दलित के इतिहास का हो राय लिंबू के इतिहास कम से भाषा पढ़ावे मगर के भाषा भी पढ़ावे कम से हमनो तो मगर के भाषा जानल जा हमनो तो नेवार के भाषा जानल जा सब भाषा के कम से कम जानकारी हो एक भाषा लादल गई बा यह भाषा और दूसर भाषा तो हमने केवल नहीं जान जाला अगर वो भाषा हम नहीं बोले पाए तो कहूँ कहूँ तो यो कहा जाला कि भाई बोले ही पर ही भाषा तू है तो ये चीज अंत हो जाए हमारे काले मतलब यही खातिर कम से कम आपके कार्यक्रम हम मार्फत का हमन के दम पर जवन संस्कृति के दम पर जवन हमन के संस्कृति के पुराना दम पर पुस्ता बा एक दम पर लोप दम पर जैसे हमन के दम पर कुछ कालीन या आपसे दम पर कुछ शासक लोग हमन के संस्कृति हमन के पुस्तक के दम पर दूसर जैसे हमन के मित्र काल है प्रशांत जी जौन कहल कि हमन के पुस्तक के दम पर हमन के संस्कृति के लोप कहल दूसर चीज दम पर हमन के पढ़ा के हमन के संस्कृति के दम पर हरावत बाटे ये चीज दम पर नहीं हो ये हमन के दम पर जौन हमन के प्रदेश पांच नंबर प्रदेश सरकार के बा या कैसे हमन के दम पर जौन भूमि दम पर भूबा सबके दम पर हमन के इतिहास का हो हमन के इतिहास दम पर कैसे दम पर कायम हो सबके दम पर संरक्षण कई के दम पर होवे के चाहिए और हमन के जगह जगह भी अपने इतिहास के दम पर व्याख्या करत बाटी लेकिन दम पर कुछ लोग हमन के इतिहास जो है थारू हो मधेसी हो दलित जनजाति के इतिहास यह दम देश में नंबर मीटा था मीटावत मीटावत नंबर एक डिजाइन के नंबर तहत नंबर मिटावल जाता लेकिन ऐसा नंबर आज के दम पर युग के युवा दम पर परिवर्तन हो गए बट है इतिहास दम पर ना मीडिया पाई है जैसे दम पर देखल जाए दम पर कोनो भी यही देश में दम पर हम थोड़ा दम पर राजनीति के दम पर भी से जोड़ बड़ी एक ठो दम पर थारू के लड़का है आपके दम पर रेशम चौधरी दम पर आज आपके दम पर जेल एक थारू के लड़का के रहे के नाते दम पर आज जेल भोगे पड़ता ऐसा बहुत दम पर ऐसा उदाहरण बाकी जे अपन पहचान जे अपन संस्कृति के दम पर जे रक्षा के दम पर आवाज उठावे ओके दम पर जेल दम पर भोगे पड़ता अपन जे रक्षा अपन संस्कृति जे इतिहास बचावत ओके दम पर में दम पर ले जाके दम पर रखे ई कुल दम पर गलत चीज हो हमन के संस्कृति हमन के आवाज का हो कि यह देश में हम हमन के यह देश के दम पर नागरिक हो गल सबके सम्मान सबके पहचान सबके दम पर रक्षा हो चाहिए वैसे भी हमन के मधेश के दम पर जवन दम पर कल्चर बा हमन के दम पर थारू मधेसी सबके दम पर सबके संस्कृति के दम पर रक्षा हो चाहिए यह हमन के दम पर हमेशा दम पर आवाज उठावल जाता कि हमन के जैसे आप कहले मित्र की हमन के पढ़ाई हो चाहिए वास्तव में
हमन के संस्कृति के जब हमन के संस्कृति के हमन भोजपुरी में पढ़ाई नहीं हुई तो हमन के इतिहास कैसे मालूम है, हमन के आए वाला बाल बच्चा जमन बा कैसे दम पर वो चीज दम पर जारी दम पर ओके दम पर सीखे की मिली दम पर हमन के विदेश के जो इतिहास बा दूसरा दूसरा लाना जाला विदेश इतिहास पढ़ावल जाला मन के बाहर के चीज देखावल जाला। मित्र कहना रेशम चौधरी के बारे में, रेशम चौधरी एटू इतिहास का कम से कम रक्षक तो रहा है, वो अपने भाषा के लिए लड़त रहे, वो अपने संस्कृति के लड़त रहे, वो अपने समुदाय खातिर लड़त रहे। एकरे खातिर हमें लागत आ मित्र जीव का खैर हम नहीं जोड़ता मित्र जी ओकर विषय में जोड़ ले उ एक तो रक्षक के रूप में, लेकिन लेकिन जवन सांस्कृतिक विरोधी लोग बाटे, जो भोजपुरी भाषा के विरोधी लोग बाटे, जो थारू जनजाति दलित गुरु मगर नेवार के विरोधी लोग बाटे, ओके रक्षक के रूप में ना ओके भक्षक के रूप में पेश कर देले। अब हम ही यही अगर भोजपुरी में बोलता नहीं तो हमरे ऊपर राष्ट्रवाद के कहिए कि भाई ई तो भोजपुरी बोलता हो, ई तो राष्ट्रवादी नहीं हो। तो ई मानसिकता जवन बा आप अपने कार्यक्रम में ई भी कर जा कि ई भाषा बोलने ई सांस्कृतिक रक्षा कैले मतलब अपन अपन त्योहार मनैले हमन के इस देश के कौनो किस्म के ठेस या इस देश के कौनो किस्म के गलत इस देश के कौनो भी किस्म के घातक काम नहीं होता इ करे के चाहिए। और सिर्फ मधेश के लोगन के नहीं, हम कहे के चाहता नहीं आपके कार्यक्रम में कि मधेश के माटी के लड़का के नहीं, पहाड़ के भी लोगन के अपन संस्कृति अपन रीति रिवाज उन्हन पास अपने हिसाब से मनावे। हमन को हमें जाके विरोध नहीं करल जाता, वो अपन भाषा बोले, वो अपन कौन चाड़ पर्व मनावता तो मनावे, हिमालय के लोग के का मनावत हूँ मनावे, सबके इस देश में रहे के अधिकार बा। सब अपने अपने संस्कृति अपने अपना धर्म अपने अपने भाषा अपने अपने हर एक चीज के लोकतांत्रिक ढंग से ओकर विकास के बारे में ओकरे उन्नति के बारे में ओकरे प्रगति के बारे में सोचे का अधिकार बा हमरे हिसाब से। आते वैसे अब अंत में हमन के जोन समाज वैसे दिन प्रतिदिन एक विकृति और फैलत जात बा, ते आजकल जोन युवा लगन बाटे ओकरे अपन कर्तव्य भुला गेल बाटे, ओखन के खातिर कुछ कहे चाहल जी अंत में हमन के देखल जाए दम्पर यह समाज में दम्पर आए वाले दिन में जब आप लोग दम्पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम चलावल गई आए वाले दम्पर पुस्तक में हमन की युवा के बीच में दम्पर हमारे दम्पर का संदेश बा कि आए वाला पुस्तक हमन के संस्कृति के दम्पर नहीं मिटे, हमन के संस्कृति कैसी दम्पर रक्षा करल जाए, आए वाले दिन में हमन के इतिहास दम्पर मिटावल जाता उ इतिहास हमन के दम्पर कैसी बचाए बा, ओकरे लिए दम्पर आए वाला पुस्तक से दम्पर हमारा ग्रह बा कि हमन की भी दम्पर एकरे लिए दम्पर संघर्ष जगह जगह पे अभियान चलावल जाता, आए वाला पुस्तक संघर्ष कैसी हमन के दम्पर बची आए वाले पुस्तक के दम्पर सोचे परी कि हमन के इतिहास दम्पर एक दूसरे के दम्पर भेषभूषा दम्पर लादल जाता, हमन के इतिहास दम्पर का हो, हमन के कल्चर का हो, हमन के संस्कृति का हो, हमन के कैसी दम्पर कवन हमन के दम्पर पहचान हो का हो, वो हमन के बूझे के दम्पर हमारे युवा लोग के दम्पर संदेश दे बाटी कि हमन के युवा जवान बाटे अपने दम्पर संस्कृति के दम्पर कैसी रक्षा हुई ओके दम्पर रक्षा करे के लिए हम अपने दम्पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने तरफ से दम्पर आए वाले दिन में आप लोग के बीच में दम्पर हम संदेश बाटी आप लोग के अपने संस्कृति के अपने पहचान के लिए रक्षा के लिए हमेशा आप लोग के दम्पर साथ देव, हमेशा दम्पर आप लोग से प्रतिबद्ध कर बाटी कि हमन के संस्कृति पहचान हमन के दम्पर जवन भूगोल दम्पर बा हमन के कैसी दम्पर रक्षा करल रही सबके हम संदेश देते बाटी कि हम हमेशा आप लोग से प्रतिबद्ध बाटी कि अपन संस्कृति का अपन कल्चर हर एक चीज दम्पर जवन हमन के विकृति बा समाज की कैसी दम्पर परिवर्तन करेगा बा समाज के कैसी दम्पर अपने समुदाय के दम्पर कैसी आगे ले जाएगा हमेशा दम्पर हमारे दम्पर सहयोग रही समाज के कैसी दम्पर विकास ले जाएगा कैसी विकास में दम्पर आगे ले जाएगा हमेशा हमारा निरंतर दम्पर आप लोग के बीच में हमेशा दम्पर आप लोग से दम्पर आगे दम्पर कांध में मिला के आज जवन हमें दम्पर ये स्टेडियम में दम्पर बुलावल गई ओकरे लिए भी दम्पर आप लोग के दम्पर बहुत विशेष रूप से हम अपने समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने व्यक्तिगत की तरफ से आप लोग आपके दम्पर बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें दम्पर यहाँ बुलावल गई हमें अवसर दिल गई अपने मैथिली भाषा में अपने महतारी के दम्पर भाषा में हमन के जो संस्कृति हमन जो पहचान होकर बोले के लिए हमें दम्पर बहुत खुशी लगल गर्व लगल कि आपके दम्पर बहुत बहुत धन्यवाद जितना भी धन्यवाद दे उतना ही कम हुई आपके धन्यवाद बा। हमहूँ खैर राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के तरफ से कम आपके धन्यवाद दिए के चाहता जी कम से कम आज आप बुलावल गई अपने स्टूडियो में अपने धर्म संस्कृति रीति रिवाज के बारे में अपने चाड़ पर्व के बारे में आप हमन से छलफल कर रहे हमें के चीज कहे के चाहता थी हमन के कौनो भी राजनीतिक दल में रहल जा जैसे आज जैसे हमन के दुई आदमी आज यहाँ आके खड़ा बाटी अपने अपने मधेश के जौन एठू चाड़ पर्व बा मधेश के जौन एठू उ बा ओकरे के विकास उन्नति प्रगति खातिर वैसे हम कहे के चाहता थी युवा में कौनो भी आप लोग राजनीतिक दल में रहल जा कौनो भी पार्टी में रहल जा कौनो भी सस्ता रहल जा ये देश के कौनो भी भूमि में रहल जा विश्व के कौनो भी भूमि में रहल जा लेकिन अपने संस्कृति के अपने भाषा के अपने चाड़ पर्व के अपने त्यौहार के आप उन्हें के
बचावे खातिर आप लोग लगल जा। अगर हमें लगता कि अगर आप लोग लगल जाए तो हमन के आए वाला जो इतिहास रही आज से 200-400 साल पहले वो भोजपुरी भाषा उ मैथिली भाषा उ मगर के भाषा उ नेवार के भाषा उ थारू के भाषा और भी जितना भाषा बाटे उ भाषा कम से कम जानी। अगर नाई अमन के करल जाए तो एक भाषा आदमी बोले के जानी। ये देश के भाषा सिर्फ देश के भाषा बोल ले देश के विकास नहीं होए। अगर खातिर देश के विकास खातिर देश के और भी भाषा के अगर बोलल जाए तो देश के सुंदरता और झलकी देश के खूबसूरत और होई देश और उन्नति और प्रगति खातिर। अगर खातिर तर त्यौहार बचैले के भी मतलब देश के बारे में सोचल हो देश के संस्कृति के बारे में सोच ले ठीक हो। कम से कम जो विदेश के लोग हैं कम से कम ये जनिए कि ये देश में और भाषा बा ये कहा आप हमें बुलावल गए। धन्यवाद राष्ट्रीय जनता पार्टी के तरफ से और हमें आपके भी धन्यवाद दिए के चाहता थी कि आप इस किस्म के अभियान में लागल गए बाटी और हमें विश्वास बा कि आपके टेलीविजन के ये अभियान सफल हुई अपन संस्कृति अपन रीति रिवाज सब जात सब धर्म के लोग बताइए। धन्यवाद। हाँ तो वैसे आज हमारे बातचीत करके लिए समाजवादी पार्टी गुरुपंथी जिला इंचार्ज विद्या यादव जी ऐसे राष्ट्रीय जनता पार्टी युवा नेता प्रशांत गुप्ता आज हम लोग साथ रहने वहाँ के विशेष धन्यवाद देख चाहते ऐसे हमन के आप भी कार्यक्रम देख के साथ हो गए आपके भी धन्यवाद। ऐसे हमन के कैमरा पर्सन सरीन उनके विशेष धन्यवाद दें। आप देखते रहिए बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन। यह कथ हम संचालक राज भी आपसे विदा होती। नमस्ते।